फाइनली दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म बच्चन पांडे के ट्रेलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का अब तक का सबसे नंबर वन ट्रेलर का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो वहीं इस फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर भी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, साजिद नाडियाडवाला के निर्देशन में बनी बच्चन पांडे इस एक्शन और कॉमेडी के डेडली कॉम्बिनेशन से भरपूर धमाकेदार फिल्म को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, जिसके कारण बच्चन पांडे का ट्रेलर इस साल का सबसे ज्यादा पसंदीदा ट्रेलर बन चुका है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, कॉमेडी और फेस एक्सप्रेशन किंग अर्शद वारसी, कीर्ति सैनन, जैकलीन फर्नांडिस और पंकज त्रिपाठी जैसे जबरदस्त कलाकार ट्रेलर में नजर आ रहे हैं। जहां अर्शद वारसी और कीर्ति सैनन अक्षय कुमार यानी बच्चन पांडे के किरदार पर फिल्म बनाना चाहते नजर आ रहे हैं, वहीं जैकलीन फर्नांडिस बच्चन पांडे की लवर का किरदार निभाती हुई बच्चन पांडे के हाथों मरती नजर आ रही हैं। तो वहीं आपको बताना चाहूंगा, इस फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर भी एक जबरदस्त अपडेट निकल कर आई है। दोस्तों वैसे तो इस फिल्म में 4 सॉन्ग होने वाले हैं, लेकिन फिल्म का एक आइटम सॉन्ग बहुत अलग और जबरदस्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, बच्चन पांडे साजिद नाडियाडवाला की फिल्म है और साजिद नाडियाडवाला जितने प्यार से अपनी फिल्मों को बनाते हैं उतना ही ध्यान वो अपनी फिल्मों के सॉन्ग के कलेक्शन पर रखते हैं। और इसीलिए फिल्म में एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग होने वाला है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ बॉबी देओल और रितेश देशमुख डांस करते नजर आएंगे। और अकॉर्डिंग टू रूमर्स, इस आइटम सॉन्ग में तीनों सुपरस्टार के साथ नूरा फतेही थिरकती नजर आने वाली है। और रिसोर्सेज के मुताबिक इस आइटम सॉन्ग का नाम होने वाला है जनाबे आली, जो की अक्षय कुमार की हाउसफुल फिल्म में से जनाबे आली सॉन्ग का ही सेकंड वर्जन होने वाला है। और ये सॉन्ग आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों आपको बताते चलू, फिल्म में रोमांटिक सॉन्ग भी होने वाले हैं, जिसमें आपको अरिजीत सिंह की आवाज सुनने को मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि हर विलन पैदाइशी विलन नहीं होता, वैसे ही बच्चन पांडे भी फिल्म में पैदाइशी विलन नहीं है। कहने का मतलब ये है, फिल्म में आपको एक्शन कॉमेडी के साथ रोमांस का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। फिल्म 18 मार्च को रिलीज हो रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप फिल्म और फिल्म के सॉन्ग्स के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म के लिए आपके मन में क्या विचार है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।